हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। मैं अंजू पांडे, योर कुक्स चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम अपने इस वीडियो में बनाएंगे सूजी बेसन के लड्डू। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में बनाएंगे बेसन सूजी के लड्डू। इसके लिए लिया है मैंने एक कटोरी बेसन, एक कटोरी सूजी। तो अब हम इसे एक बड़े बर्तन में डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, एक कटोरी बेसन। अब लिया है मैंने एक कटोरी सूजी। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच के हिसाब से घी। इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। सूजी अगर मोटी है तो आप 1-2 चम्मच ज़्यादा घी मिला सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। घी हमारा परफेक्ट मात्रा में है या नहीं, इसके लिए आप मुट्ठी में इस तरह से लेकर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसे सख्त आटा जैसे गूंथ लेते हैं। आटा हमने सख्त गूंथ लिया है। अब हम इसकी इस तरह से मुठिया बनाएंगे, पतली पतली बेसन और सूजी से इस तरह से पतली पतली मुठिया बना लेंगे। सूजी और बेसन से मैंने इस तरह से मुठिया तैयार कर ली है। अब चलते हैं गैस की तरफ, कुछ ड्राई फ्रूट्स तल लेते हैं। अब हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, 2 चम्मच के हिसाब से तेल डालेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स नहीं भी डाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं। 2 मिनट बाद हम इन्हें निकाल लेते हैं। गैस के ऊपर अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, जिससे हम सब्जी वगैरह बनाते रहते हैं। अब हम बेसन और सूजी की जो मुठिया बना रखे थे उसी को डालेंगे और हल्का फ्राई करेंगे। ब्राउन होने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें धीमी आंच में ही हम फ्राई करेंगे। नीचे से अच्छी तरह से सेक जाने के बाद ही हम इन्हें पलटाएंगे। इन्हें पलटा देते हैं हम, जिससे ऊपरी भाग भी अच्छी तरह से सेक जाए। कलर चेंज होने तक हम इन्हें तलेंगे। मुठिया का कलर चेंज हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी मुठिया को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, सेक लेते हैं।
हमने सारी मुठिया को तल लिया है, इन्हें ठंडा हो जाने देते हैं। इन्हें हम बीच से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं जिससे जल्दी ठंडी हो जाए। सारी मठरी हमने तोड़ दी है और अब ये ठंडी भी हो चुकी है। अब हम इसे मिक्सिंग जार में डालकर इसे पीस लेते हैं। सूजी और बेसन से जो हमने मुठिया बनाया था उसे हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। हमने इसे दरदरा पीसा है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में डालेंगे। बड़े बर्तन में डालने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स तले थे उन्हें भी हम डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब चलते हैं हम चाशनी बना लें। चाशनी बनाने के लिए हमने एक पतीला लिया है, गैस के ऊपर रखा है। अब हम लेंगे एक कटोरी चीनी और इसमें डालेंगे आधी कटोरी के हिसाब से पानी। यहाँ पर हमने बेसन एक कटोरी लिया, सूजी एक कटोरी लिया, इसलिए चीनी भी हम एक कटोरी ही लेंगे और पानी आधी कटोरी। चीनी को अच्छी तरह से पानी में हम मिल जाने देते हैं। इसकी एक तार चाशनी बनाएंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे हम। एक तार चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसे बंद कर देते हैं, ठंडा हो जाने देते हैं। चाशनी हमारी हल्की गर्म है और हमें ऐसे ही चाहिए। अब हम चाशनी को थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे और इसके लड्डू बनाएंगे। इसी तरह से सारे लड्डू हम बनाकर रख लेते हैं। हमारे दानेदार सूजी बेसन के लड्डू तैयार हैं और ये बहुत ही दानेदार बने हैं, स्वादिष्ट भी बने हैं। तो आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप भी बनाइए, अपनों को खिलाइए। थैंक यू।